दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य फिर एक मंच पर आने की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये कवायद निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के सूत्रों के हवाले से जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला। लेकिन बहुत बड़ी कवायद रची गई उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से फंसाने के लिए अखिलेश यादव ने पूरी तरह से पीडीए का जोर लगाते हुए उपचुनाव से पहले नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से जो कि बाबू सिंह कुशवाहा की पहले बात कर दूं, यहां पर स्पष्ट आपको कर दूं कि बाबू सिंह कुशवाहा एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं 2024 चुनाव से थोड़े से पहले, एक महीने पहले की बात है। और वहां पर आपको बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट से बाबू सिंह कुशवाहा को साइकिल सिंबल से अखिलेश यादव टिकट देते हैं और चुनाव लगभग 1.5 लाख के इर्द गिर्द वोटों से जो कि बाबू सिंह कुशवाहा जीत जाते हैं। समाजवादी पार्टी का साइकिल सिंबल जीत जाता वहां पर, तो बाबू सिंह कुशवाहा के लिए सेफ जोन मिल गया और समाजवादी पार्टी के लिए भी सेफ जोन मिल गया कि बाबू सिंह कुशवाहा दूसरे पार्टी के होते हुए साइकिल सिंबल से जीत गए। तो ये दोनों पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा। इसी तर्ज पर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, और साथ में कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में बात हो रही है। आपको बता दें कि उपचुनाव की बात है, जो आने वाला 10-15 विधानसभा का उपचुनाव हो सकता है, तो इसमें जो मनोज पांडे हैं ऊंचाहार सीट से जो विधायक हैं, उनके खिलाफ जो कि निश्चित तौर पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद उतर सकते हैं और अपने पार्टी में ही रहेंगे लेकिन साइकिल सिंबल से लड़ेंगे। इस तरह का जो है कि सामंजस्य बैठाते हुए अखिलेश यादव की टीम नजर आ रही है। निश्चित तौर पर आपको बता दें कि ऊंचाहार सीट पर मौर्य समाज की बहुलता है। यादव, मौर्य और मुस्लिम, अगर तीन समीकरण एक साथ मिल गया तो निश्चित तौर पर बुरी तरह से फंस सकते हैं और साथ में दलित अल्पसंख्यक वोट तो मिलता ही समाजवादी पार्टी को पीडीए के तहत। तो ये जो एक कवायद रची जा रही है, आपको बता दें कि ये खबर आपको हो सकता है कि असमंजस पैदा करे, लेकिन आपको बता दें कि ये खबर अखिलेश यादव के बहुत करीबी नेता और हमेशा लगभग साथ में रहने वाले चौधरी, जो साथ में उनके चौधरी साहब रहते हैं, उनसे लगातार टच में बातचीत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अकॉर्डिंग सूत्रों से खबर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत जल्द बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको बता दें कि 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी में आए थे और जो कि वो सीट पर, अपने सीट पर जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे, वो सीट पे चुनाव हार गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सम्मानपूर्ण देते हुए उनको जो है कि MLC का पद दिया। बाद में यही जो अभय प्रताप सिंह हो चाहे मनोज पांडे हो, जो राज्यसभा में अखिलेश यादव के साथ धोखा दिए और जाके जो कि BJP को वोट कर देते हैं राज्यसभा चुनाव में, तो उसके बाद से, उससे पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य जो है कि इन्हीं नेताओं के अड़चन की वजह से जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देते हैं और छोड़कर पार्टी चले जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव और या समाजवादी पार्टी पर हमलावर नहीं रहते हैं नई पार्टी खड़ा करने के बावजूद भी। अब कवायद इस तरह से लग रही है कि मनोज पांडे के खिलाफ साइकिल सिंबल पर जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, मनोज पांडे वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी सिंबल से जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल के निशान से जो है कि कहीं ना कहीं मनोज पांडे लड़ेंगे। तो इस तरह की कवायद है और निश्चित तौर पर जो समीकरण है पीडीए के तहत, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर सपा सिंबल से लड़ते हैं तो उनका पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई देगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच में जिस तरह से लठ्ठम लठ्ठा चल रही है कुर्सी के पद के लिए, जिस तरह से उपेक्षा हुई है केशव प्रसाद मौर्य की, और दूसरी तरफ जैसे ही एंट्री जो कि उपचुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल सिंबल से करेंगे, बाबू सिंह कुशवाहा साथ में है और तमाम जो कि साक सैनिक कुशवाहा मौर्य के लगभग 4-5 सांसद जो कि बन चुके हैं कहीं ना कहीं भारतीय समाजवादी पार्टी में, तो एक अलग से एक नरेटिव, एक अलग से मैसेज जा चुका। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होता हुआ 2024 का उपचुनाव 10 सीटों पर यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको बता दें कि ऊंचाहार सीट से इस समय विधायक है समाजवादी पार्टी के सिंबल से ही विधायक है, लेकिन उन्होंने
जो कि अपना सदस्यता जो कि इस्तीफा सदस्यता से ना देते हुए भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे ज्वाइन कर चुके हैं, और मनोज पांडे से ही सबसे बड़ी लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य की थी। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहीं ना कहीं जो सूत्र बता रहे हैं उनका कहना है कि हम अपने पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे लेकिन हम साइकिल सिंबल पर लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य की भयानक एंट्री समाजवादी पार्टी के थ्रू होती हुई नजर आने वाली है। आने वाले समय में बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव निश्चित तौर पर पीडीए को लेकर बिल्कुल सीरियस नजर आ रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो है खतरा दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।